हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तिवारी एंटरप्राइजेस वंस अगेन। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली है ब्लैक एक्सयूवी 300 जो मॉडल रहेगा भैया W6 मॉडल रहेगा। बेसिकली आप देखोगे इस फ्रंट से पूरा W6 है भैया, कंपनी डीएलएल और फॉग लैंप्स नहीं देती है, ये स्टॉक हेडलाइट देती है। बाकी ऐसा कुछ फ्रंट का लुक आता है आप देखेंगे W6 के अंदर, जो कि थोड़ी देर में फुली कंप्लीट होने वाला है भैया। चेंज हम लगाएंगे इसमें भैया जेन्युइन महिंद्रा की एसेसरीज, हेडलाइट जेन्युइन महिंद्रा, फॉग लैंप्स जेन्युइन महिंद्रा एंड डीएलएल इसका रहेगा भैया जेन्युइन महिंद्रा। अंदर जो भैया गाड़ी में काम अभी चल रहा है वो रहेगा जेन्युइन महिंद्रा के आमरेस पे, जो कि आप ये देखेंगे जेन्युइन महिंद्रा आमरेस ये होता है भैया। पूरा कंसोल चेंज होता है, आप लोगों को पता ही ये बात। तो भैया W4 और W6 में लगा हुआ आता है वो एक आमरेस होता है जो कि फाइबर का रहता है, इसमें कोई कंसोल का सपोर्ट नहीं होता है, जिसको रिप्लेस करके हम लगाते भैया जेन्युइन महिंद्रा का आमरेस। गाड़ी के बैक साइड से जो गाड़ी में काम स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आप देखेंगे रिफ्लेक्टर पर रहेगा, जो कि रहेगा भैया जेन्युइन महिंद्रा रिफ्लेक्टर रहने वाला है हमारा। साथ साथ आपको पता भी है इस गाड़ी के W4 और W6 में टेल लैंप जो हमारा जलता नहीं है, ये वाला पोर्शन जो होता है ये ग्लो नहीं करता, ये वाला ग्लो करता है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, ये पोर्शन इसका चेंज करके हम लगा रहे हैं इसके टॉप वेरिएंट में जो आता है ये भैया। टेल लैंप्स होगा इस गाड़ी का चेंज, जो कि लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लुक देता है गाड़ी। आप देखोगे भैया गाड़ी का फ्रंट पोर्शन पूरा खुल चुका है, हेडलाइट डीएलएल और फॉग लैंप पूरा खुल चुका है। जब लगाएंगे टॉप मॉडल की हेडलाइट उसके प्रोजेक्टर्स में लगाएंगे भैया क्रिस्टलाइट की 120 वॉट की एलईडी, साथ साथ हम फॉग लैंप्स लगाने वाले भैया नाइट आई की एलईडी, और जो हाई व्यू में लगाएंगे वो लगेंगे भैया डैप्स की एलईडी। आप देखेंगे लगभग इंस्टॉलिंग का काम जो है पूरा हो चुका है। ये रही हमारी जेन्युइन महिंद्रा की टॉप मॉडल की हेडलाइट, प्लस ये रहेगा भैया डीएलएल, साथ साथ हमारा जेन्युइन महिंद्रा फॉग लैंप्स, बाकी इसकी वायरिंग का काम चल रहा है। और होने के बाद आपको दिखाऊंगा लाइट्स कैसी रहने वाली है गाड़ी की। ये रहेगी भैया गाड़ी के कुछ लगने के बाद लुक, साथ साथ इसका मैं आपको दूसरी एक्सयूवी भी दिखाता हूँ जिसके हमने मिड रेंज में काम किया है। सबसे पहले इस गाड़ी में हमने लगाया था भैया जेन्युइन महिंद्रा फॉग लैंप्स, जिसकी कुछ फिनिशिंग रहने वाली है। इसके अंदर भी हमने लगाया नाइट आई की एलईडी, साथ साथ भैया ने अभी हेडलाइट के अंदर लगाया 120 वॉट की क्रिस्टलाइट की एलईडी, जिसकी लाइट मैं आपको चेक कराता हूँ। भैया ने अभी डीएलएल नहीं लगाया, उसके बाद में लगवाएंगे। भैया मैं आपको कुछ अभी दिखा पाऊंगा लाइट की रोशनी कैसी रहने वाली है। ये देखिए जो आप सामने गाड़ी में देखेंगे मारियो डिपल, ये रहेगा भैया गाड़ी का लो बीम और हाई बीम का लाइट। बाकी आप ये देखेंगे फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ये रहने वाला है। अंदर से जो गाड़ी में काम हुआ भैया, सबसे पहले रहेगा इसकी गाड़ी की सीट कवर, जो कि भैया ने लगाई हुई फुल ब्लैक सीट कवर्स, जिसकी कुछ फिनिशिंग रहने वाली है। अगर मैं आपको ड्राइवर सीट दिखा दूं, उस ड्राइवर सीट की कुछ फिनिशिंग रहने वाली है भैया। इसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग की गई है ताकि भैया का जो कम्फर्ट जोन हो भैया थोड़ा सा हैवी रहे। साथ साथ इसका भैया जेन्युइन महिंद्रा आमरेस कंसोल आमरेस, जिसकी क्वालिटी ये रहने वाली है। साथ में भैया ने लगवाया 5D मैट्स स्टेयरिंग कवर, जो कि फुल ब्लैक रहेगा भैया, लेकिन अगेन OEM स्टेयरिंग कवर रहेगा। हमें लगाया भैया गाड़ी के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम, जो कि ब्रांड है भैया डैप्स का। कॉन्फिगरेशन है भैया 2GB एंड 16GB, बाकी इसका मैं आपको एक बार टच चेक करवा देता हूँ। ये रहने वाला कुछ गाड़ी का सिस्टम का टच भैया। साथ साथ इसके अंदर भी हमने जो इसका ओरिजिनल USB तो वो भी चालू किया है। एक बार इसके अंदर हमने लगाया भी एक OEM कैमरा, जिसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ भैया, लगाने एक बार OEM रिवर्स कैमरे की उस क्वालिटी भी ये रहने वाली है। अगेन ये रहेगा भैया प्रॉपर मूविंग कैमरा, जैसे कि भैया गाड़ी बैक करेंगे तो ये जो गाइडलाइंस है वो भी प्रॉपरली करेगा मूव। हमारे ओनर भैया क्या नाम है अपना? तरुण नाम। आपको ले गए थे हमारे पास भैया, हमारे सचिन भैया। सचिन भैया, भैया कितनी गाड़ी, कौन सी नंबर की गाड़ी है हमारे पास? ये चौथी गाड़ी है। काम में मजा आता है हमारे पास, एक नंबर मजा आता है। और भैया और बताओ आपको कैसा लगा काम? बहुत बढ़िया। जो चीजें आपने जेन्युइन देखी थी या सोची थी, जो ऐसे आमरेस हो गया, फॉगलेट हो गया, वो सेम जेन्युइन लगा? और भैया आप बताओ काम के बारे में और पैसे के बारे में। मैं कह रहा हूँ एक नंबर काम है जी भैया। तिवारी कार एसेस नाम है जी भैया, यही नाम है और एक नंबर काम है भाई, यहीं पर आओ। अगर कम पैसों में काम कराना है, बढ़िया काम कराना है, यहीं पर आओ। खर्चा आया पूरे काम का 40,000 रुपए आ गया खर्चा, लेकिन गाड़ी ऐसे हो गई नंबर एक टॉप मॉडल बन गया। W6 लाया था मैं, W8 बना के लेके जा रहा हूँ। मजा आया भैया, पूरा मजा आया। ठीक है भैया, गाड़ी का सारा काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। गाड़ी का कुछ W6 का फ्रंट लुक ये रहने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे भैया गाड़ी का हेडलाइट एंड डीएलएल्स, जो कि रहेगा भैया जेन्युइन महिंद्रा टॉप मॉडल वाला, ये कुछ रहेगा भैया डीएलएल का लुक। साथ साथ मैं आपको बता चुका भैया प्रोजेक्टर में लगाता है 120 वॉट की एलईडी, थोड़ा स्लाइट चेंज हमने हाई व्यू में भी लगाया 120 वॉट की एलईडी, और फॉग लैंप्स हमने लगाई भैया नाइट आई की एलईडी। ये कुछ रहने वाली है भैया गाड़ी के भी लाइट, ये रहेगी भैया गाड़ी के भी प्रोजेक्टर पे लाइट और फॉग लैंप्स की लाइट। अभी हमने भैया भैया हाई व्यू जो किया हुआ है गाड़ी का बंद किया हुआ है, मानना हाई व्यू ये रहेगा भैया हाई बीम का इम्पैक्ट जो रहने वाला है सामने। जो गाड़ी में काम हुआ भैया इसके रहेगा डोर लाइट्स के ऊपर, जिसकी कुछ लाइट ये रहने वाली है गाड़ी के अंदर। इंटीरियर पार्ट में जो गाड़ी में काम हुआ भैया रहेगा वो जेन्युइन महिंद्रा के आमरेस पे, जिसकी कुछ फिनिशिंग ये रहने वाली है जेन्युइन महिंद्रा आमरेस की भैया। बैक साइड से भैया गाड़ी का कुछ लुक ये रहने वाला है, जो कि जेन्युइन महिंद्रा टॉप मॉडल जो W8 होता है भैया सेम लगेगा। इसकी सबसे पहले इसका हमने जो लगाया था भैया वो लगाया इसका टेल लाइट्स, जिसका ये कुछ लाइट रहती है भैया टेल लाइट्स की, बहुत डैशिंग लाइट रहने वाली है टेल लाइट चेंज होने के बाद गाड़ी का लुक। साथ साथ हमने लगाया एक महिंद्रा जेन्युइन रिफ्लेक्टर, जिसकी लाइट ये रहने वाली है। मैंने अभी इसके अंदर स्पॉइलर नहीं लगाया, लेकिन हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। बाकी बैक साइड से गाड़ी का कुछ ये लुक रहेगा भैया। ठीक है, हमारे ऑनर रहेंगे भैया, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सन्नी शाहरावत। भैया कितना टाइम लगा पूरे काम में और कितनी कॉस्टिंग और कैसा काम लगा?
काम तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जी भैया, नेक्स्ट टाइम ही आना मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है। और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं लगा, ठीक है। कितना खर्चा आया भैया? आ गया 50,000 से ऊपर ही आ गया, 55 के आसपास। बाकी जो भी आपने चीज जेन्युइन देखी थी वीडियोस में, अगर देखी थी तो वो जेन्युइन मिली या नहीं मिली? जेन्युइन चीज, जेन्युइन मैंने हर चीज चेक भी किया, मैंने ऐसी बात नहीं है जी भैया, हर चीज जेन्युइन भी है। काम में मजा आया भैया? काम में मजा आया, नेक्स्ट टाइम यही आएंगे। ठीक है, और अच्छा लगेगा मुझे आने में। ये आपने देखा भी XUV 300 का मॉडिफिकेशन। अगर आप चैनल पे नए तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी भाई को अगर अपनी गाड़ी में काम कराना तो आप हमारी शॉप तिवारी का एड्रेस पे आ सकते हैं, जो भैया रहेगा MCD पार्किंग के सामने करोल बाग के अंदर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप स्माइल।